हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीजे स्टेंट के बारे में, जिसे डबल जे स्टेंट भी कहते हैं, जो किडनी ऑपरेशन के बाद में दिया जाता है। और डबल जे स्टेंट होता क्या है? यह एक प्लास्टिक का पाइप होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डबल जे स्टेंट है। ये एक प्लास्टिक का पाइप होता है जिसका एक एंड पे एक जे होता है, अदर एंड पे एक जे होता है। इस प्लास्टिक का एक पाइप का जे आपके किडनी में रहता है और दूसरी तरफ का जे आपका ब्लैडर में रहता है, ताकि किडनी से ये नीचे नहीं उतर पाए और ब्लैडर से ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाए। ये डीजे स्टेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक, जिसे पॉलीथिलीन के बोलते हैं, पॉलीथिलीन के बने हुए डीजे स्टेंट। एक होता है ब्लैक मटेरियल, जिसे सिलिकॉन डीजे स्टेंट कहते हैं। और तीसरा होता है मेटेलिक डीजे स्टेंट। मेटेलिक डीजे स्टेंट ओनली कैंसर पेशेंट में दिया जाता है। नॉर्मली हम ये जो डीजे स्टेंट होते हैं उनको कब कब देते हैं? प्रथम हम देते हैं जब आपकी किडनी में बहुत ज्यादा यूरिन जम गया है, किडनी फूल गई है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। किसी ब्लॉक की वजह से उस ब्लॉक को रिलीज करने के लिए हम डीजे स्टेंट देते हैं। दो नंबर, हम आपका कोई किडनी का सर्जरी हुआ है, जैसे कि आपका किडनी की स्टोन का सर्जरी हुआ है, उसमें डीजे स्टेंट देते हैं। और डीजे स्टेंट कभी कभी कैंसर पेशेंट में भी देते हैं, जब आपका कैंसर यूरेट्री की वॉल्व इन्वॉल्व करके आपका किडनी को फुला देता है। डीजे स्टेंट देने के वजह से जो आपकी किडनी की जो गंदगी है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। और कोई स्टोन का ऑपरेशन हुआ है तो स्टोन का कुछ डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे स्टोन पार्टिकल्स रह गए हैं वो भी निकल जाते हैं। और तीसरा, आपकी किडनी या यूरेट्री में कोई घाव हो गया है तो वो भी इस डीजे स्टेंट के ऊपर हील कर जाता है, ताकि वो जब वो घाव सूखे तो उस जगह को पतला या नैरो नहीं करते, इसके ऊपर रहने से वो ठीक रहता है। अब बात करते हैं डीजे स्टेंट देने के बाद में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप डीजे स्टेंट देते हैं तो डीजे स्टेंट देने के बाद में आप, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है, इसलिए आपके पीछे की कमर, जिस साइड में स्टोन स्टेंट दिया हुआ है किडनी के अंदर, राइट हो कि लेफ्ट हो, उसके बैक साइड में थोड़ा पेन हो सकता है। पेशाब करते समय आपकी उसी साइड किडनी साइड में पेन हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, आपके लिंग में थोड़ा पेन हो सकता है। और क्योंकि ये डीजे स्टेंट ब्लडर के अंदर भी रहता है तो ब्लडर मुकोसा को इरिटेट करने के लिए कभी कभी इसमें थोड़ा ब्लड भी आ जाता है। लेकिन ये सिम्टम यूजुअली 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर ठीक नहीं होते हैं तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करके उसके लिए कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। अब ये डीजे स्टेंट है, इसका जो प्राइस होता है, नॉर्मल डीजे स्टेंट देते हैं उसका डीजे स्टेंट का नॉर्मल प्राइस होता है 700 से 1000 रुपए के बीच में। ये डीजे स्टेंट को हम लोग 14 दिन के बाद में, ये जरूरी 10 दिन के बाद में और 3 महीने के अंदर निकाल देते हैं। सिलिकॉन डीजे स्टेंट जो होता है उसका कॉस्ट 5000 से 10000 के बीच में पड़ता है और उसको हम लोग 6 महीने या 1 साल तक रख सकते हैं। इसका इंडिकेशन होता है जब किसी पेशेंट का किडनी ठीक काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन करने की कंडीशंस में नहीं है, तो हम लोग ये सिलिकॉन डीजे स्टेंट देते हैं। मेटेलिक डीजे स्टेंट का दाम जो होता है वो होता है 25000 से 30000 और उसको लेकिन हम लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं डीजे स्टेंट रिमूवल के बारे में। डीजे स्टेंट रिमूवल को यूजुअली हम लोग 2 सप्ताह के बाद में करते हैं। यूजुअली हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप की मदद से करते हैं। इसको निकलवाने में किसी तरह का पेन नहीं होता है। किसी किसी पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, ऐसे पेशेंट में हम लोग आईवी एनेस्थीसिया देकर, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया देकर या थोड़ा सा घूम देकर, नींद देकर उस स्टेंट को निकाल देते हैं विद एनेस्थीसिया की मदद से। लेकिन आपने ये डीजे स्टेंट टाइम से नहीं निकलवाया तो उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस डीजे स्टेंट के ऊपर पत्थर हो सकता है, जिसे निकालने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जटिल सर्जरी होती है, इससे हमें 2 से 3 घंटे तक लग जाता है। कभी कभी ये डीजे स्टेंट टूट जाता है तो नीचे का सर तो हम लोग सिस्टोस के निकाल देते हैं, पर किडनी का स्टोन निकालने, किडनी का जो डीजे स्टेंट निकालने के लिए हमको RIRS या PCNL करना पड़ता है, जिसके लिए आप एक बड़ी सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर्स यूजुअली आपको बता देते हैं कि आपका स्टेंट दिया हुआ है, इतने दिन के बाद में आपको स्टेंट निकालना पड़ता है। पर कभी कभी किसी नर्सिंग होम में OT होता है, डॉक्टर्स किसी वजह से बाहर चला गया, किसी वजह से कुछ कारण से आपको नहीं बता पाते हैं, तो उसमें अगर आप भूल जाते हैं तो डीजे स्टेंट के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने, अगर आप किडनी का ऑपरेशन या किडनी के स्टोन का ऑपरेशन हो, तो आप खुद ही बिना झिझक के अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं
कि आपको डिजेस्टन दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है तो उसे कब निकलवाना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और इसका बेल आइकन अवश्य दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल जाए। नमस्कार फ्रेंड्स।